Hello everyone, I think we are live now. So today we are going to have a Q&A session. आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहना. हाफ एन आवर के लिए आई विल बी अवेलेबल. तो मैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू लाइक आंसर एज मेनी एज पॉसिबल. तो जस्ट यू कैन स्टार्ट विद योर क्वेश्चन. आई थिंक अगर वॉल्यूम सही आ रही तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप कि लाइक वॉल्यूम वगैरह तुम्हें सुनाई दे रहा है प्रॉपरली. हेलो, ओके, वॉल्यूम ठीक है? ओके. आई थिंक लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लॉकडाउन को हुआ है. एंड अभी बहुत सारे स्टेट्स बता रहे हैं कि लॉकडाउन कंटिन्यू रहने वाला है, तो देखते हैं उसके हिसाब से सिचुएशन क्या है. बट व्हेन डू यू थिंक नीड विल टेक प्लेस? यार एक्चुअली बताऊँ, जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, मई एंड तो बहुत मुश्किल है. मे बी जून जुलाई मेरे को लग रहा है, क्योंकि एंड वो लाइक शॉक मत होना, इतना लेट एग्जाम हो सकता नहीं हो सकता. क्योंकि बताओ, दो इंस्टेंसेस पहले हुए थे 2015 में, जब एग्जाम क्या कहते हैं चीटिंग वगैरह के कारण एग्जाम कैंसिल हुआ था, तभी बहुत लेट हुआ था. एंड 2016 में जब नीट उन्होंने पहली बार लिया था, तभी बहुत लेट हुआ था. तो एग्जाम बहुत लेट जा सकता है, पर कैंसिल नहीं होगा. बट मान के चलो यार, लेट हो सकता है, मई के बाद ही होगा मेरे हिसाब से, तो ये मान के चलना. उसके बाद सर, द बुक्स दैट यू यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स? यार मैंने एक्चुअली जितनी भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो की है उनकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, एक बार जाके देखना, उसमें बुक सारी मेंशन है. प्रीवियस ईयर पेपर काफी रहेंगे क्या? यार डिपेंड करता है, अगर तू सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर कर रहा है या तूने साथ साथ क्यू एन ए भी बाकी क्या कहते हैं एमसीक्यूज किए नहीं किए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसे एड ऑन तुम्हें करना है ताकि तुम और अच्छा स्कोर करो, पर यार एमसीक्यूज पहले के किए होने चाहिए तुम्हें. हाउ टू रिवाइज फास्ट? या लाइक लास्ट 30 डेज या लास्ट 30 डेज, लास्ट 10 डेज की मैंने वीडियो से बनाई हुई है, एक बार चेक कर लेना. पर रिवाइज फास्ट में यार देखो, अभी टाइम पूरा रिवाइज करने का नहीं है. अपने नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, आई थिंक दैट विल बी इनफ. यही बोलूंगा. पर किसी भी ऐसा मत करना कि लाइक कॉन्सेप्ट को तुम छोड़ रहे हो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पर लाइक नोट्स वगैरह पे ध्यान दोगे अच्छा रहेगा. फिजिक्स एनसीईआरटी नेसेसरी है, मेरे को नहीं लगता फिजिक्स एनसीईआरटी नेसेसरी है. पॉइंट्स टू पॉन्डर एक बार देख लेना, ठीक है? वो आई थिंक उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि नीट में ना मोस्टली इज अबाउट क्या कहते हैं क्वेश्चंस को अप्लाई करना, असर्शन रीजन आएंगे नहीं. तो मोस्टली तुम्हें अगर तुम वो करोगे क्या कहते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर करोगे, अपने नॉर्मल फॉर्मुलास प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा. तो विल इट बी हायर डिफिकल्टी? या एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है उससे फर्क नहीं पड़ता कि डिफिकल्टी लेवल क्या है. क्योंकि बताओ क्या कहते हैं, जैसे हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस साल एग्जाम देंगे, 12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वगैरह, तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज नहीं हुई बल्कि डिक्रीज हुई. तो डिले करने से डिफिकल्टी लेवल का फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क इसका पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जो 12th के पास आउट हुए हैं, जो अभी पास आउट हुए, जिनको रिवाइज करने का अच्छा चांस नहीं मिला, उनकी रिविजन अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, तो तुम्हें कॉम्पिटिशन टफ मिलेगा, पेपर हार्ड नहीं होगा. पर बाकी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो हो सकता है कट ऑफ आगे जाए. व्हाट टू डू टू गेट इनटू एम्स दिल्ली? यार एज सच अभी जैसे नीट का, अपने नीट पे फोकस कर. अब तो एम्स एग्जाम कैंसिल हो चुका है, अच्छी तरह पढ़ाई कर. एंड फिर अगर तुम्हारे टॉप 50 के अंदर रैंक आ जाती है जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तुम्हें एम्स दिल्ली मिल ही जाएगा. इज इट नेसेसरी टू मेक शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट किसके लिए? एक बार अपना यार आंसर थोड़ा स्पेसिफाई कर देना, मैं वापस पढ़ लूंगा. भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा और डर लग रहा है. यार एक्चुअली बताओ, इनने लॉकडाउन के कारण, अभी कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोगों का क्या कहते हैं डेली शेड्यूल वगैरह खराब हुआ है, मुझे पता है. एंड लाइक मेरा भी कुछ हद तक खराब हुआ है, सबका ही खराब हुआ है कि घर में पड़े रहेंगे क्या करेंगे. पर यार लाइक हिम्मत मत हारो, लास्ट का टाइम बाकी है. अपने लाइक गोल्स लिखो कि मुझे क्या क्या करना है, मैं क्यों एमबीबीएस में आ रहा हूँ एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा. एंड आई थिंक अपने आपको मोटिवेट करने की कोशिश करो, सेल्फ मोटिवेट करने की कोशिश करो, ठीक है? लाइक अपने आपको चैलेंजेस दिया करो. जैसे कि लाइक अगर तुमने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ ली है, सपोज यार बायो की एनसीईआरटी देखने का मन ही नहीं करता, फिर तो तुम ऐसा बोलो यार कि इस बार ना मैं सिर्फ इमेजेस देखूंगा, इस बार मैं पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, इस बार मैं सिर्फ इमेजेस देखूंगा, इस बार मैं क्या करूंगा जो भी मैंने साइड में हाईलाइट किया मैं सिर्फ वो पढ़ूंगा. ऐसे ऐसे करके ना अपने आपको इनकरेज करो ताकि तुम एनसीईआरटी बार बार पढ़ते रहो या अपने नोट्स बार बार पढ़ते रहो. ये ऐसा तरीका बताऊंगा. और क्वेश्चंस करोगे तो तुम एनसीईआरटी में वापस आओगे आओगे. इज इट नेसेसरी टू मेक? ओके. क्या एवरेज स्टूडेंट टॉप में आ सकता है? यार मैं भी क्या कहते हैं
एवरेज स्टूडेंट ही था। अगर तुम मेरी नीट की पहले की रैंक देखोगे 3000 के आसपास एंड सेकंड टाइम 67 की रैंक, तो मैं एवरेज ही था। पर लाइक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है मेहनत, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकता है, बाबा क्वेश्चन करेगा, बाबा प्रीवियस ईयर पेपर करेगा, रिवाइज करेगा, तो वो भी टॉप में आ सकता है। बहुत सारे लोग की अगर तुम कहानी देखोगे वो पहले अच्छा नहीं पढ़ते थे, पर क्योंकि उन्होंने लास्ट में अपने आपको बहुत डेडिकेट किया तो वो लेके आ सकता है। हाउ टू डू फिजिक्स फ्रॉम 0 to 100, या 0 to 100 तो मुझे नहीं पता, पर लाइक मैंने अपनी एक वीडियो डाली हुई है 86 to 176, देख लेना उसके आसपास। और उसमें जो सारे टिप्स जो मैंने फिजिक्स के बताया ना, जितने मैंने अपने फिजिक्स के टिप्स बताए अपने फिजिक्स वाली वीडियो में उतने ही हैं। उससे अलावा अगर तुम्हें कोई बता रहा है कि यार टिप्स हैं, या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं है, देखो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन करने, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसलिए ना जो मेरी वीडियो है उतना ही काफी है, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सर आपने एग्जाम से पहले कितनी बार रिवीजन किया था? यार अपने जब मैं नीट का अटेम्प्ट दिया था सेकंड टाइम, तो मिनिमम 4 या 5 रिवीजन, मिनिमम 4 या 5 रिवीजन तुम्हारी होनी चाहिए। मेरी 5 रिवीजन तक तो हो गई थी। इतनी बार देख कर लिया था कि मुझे पेपर तक, सपोज एनसीईआरटी का कोई पेज नंबर है, मुझे वो तक याद रह गया था कि कौन से पेज पे क्या है। तो इतनी बार तो तुम्हारी रिविजन हो जानी चाहिए। हाउ टू डू टॉप इन कोचिंग, यार लाइक ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा, क्योंकि सिर्फ कोचिंग में टॉप मारना ना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तुम हर बार कैसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद तुम आके घर में अगर सपोज कोई टेस्ट देते हो, किन कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं उनको आके चेक करते हो, रिवाइज करते हो, एंड उससे अच्छी अपनी तुम रैंक इंप्रूव करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैंने बहुत बार देखा है कोचिंग में कुछ लोग की रैंक बहुत ज्यादा अच्छी होती थी एंड फाइनल एग्जाम में बहुत डिफरेंट होती थी, बट तुम्हारा गोल, ऑफकोर्स तुम्हारा गोल हमेशा ये रहेगा कि तुम अच्छा करो, पर लाइक वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर रहेगा। हाउ डू यू डू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया लास्ट मंथ्स में? या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफकोर्स एनसीईआरटी पढ़नी है बार बार। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की थी साथ साथ इनऑर्गेनिक के लिए, तो यार उससे बहुत अच्छा ना क्या कहते हैं वो हो गया था, बैलेंस हो गया था कि क्वेश्चंस भी हो रहे थे साथ साथ, एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज भी हो रही थी, और साथ साथ ये भी हो रहा था क्या कहते हैं प्रैक्टिस भी हो रही थी, और एनसीईआरटी को बार बार थोरली पढ़ भी हुआ रहा था। तो यार इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी के बाहर नहीं आने वाली, अपने नोट्स पढ़ोगे इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की पढ़ोगे काफी है। इन ऑर्गेनिक ये कहते हैं केमिस्ट्री एग्जाम्पल कर लोगे तो तुम्हारा काम, मान के चलो तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है। इन ऑर्गेनिक में ऐसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, बस बात होती है रट्टा मारने की, ये बाबा याद करने के लिए। तो यार उसका कोई लाइक ऐसा कोई उपाय नहीं, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें याद रहेगा, एंड एग्जाम से पहले पढ़ के जाना। वेन विल बी नीट, वासुदेवा का क्वेश्चन है। यार मेरे हिसाब से देख मई एंड तक तो नहीं होगा, मुश्किल है, क्योंकि जैसे अभी हमारे कंट्री में 8000 के आसपास केसेस हो गए हैं, कुछ जगह पे कुछ स्टेट में क्या कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है, तो लाइक कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लाइक क्या कहते हैं ना बच्चों पे इफेक्ट आए। एग्जाम लेट हो सकता है, बहुत लेट भी हो सकता है, तो मतलब पहले भी हो चुका है ऐसा, नीट 15 एंड नीट 2016 में, ये दोनों टाइम ऐसे एग्जाम बहुत लेट हो चुका है, तो मान के चलो एग्जाम डिले होगा। भाई आप कितने घंटे पढ़ते थे? या लाइक पूरे साल के अराउंड जब मैं नीट की प्रिपरेशन करता था 6-7 घंटे तो रहता था, पर जब आई बात नीट की लास्ट महीने की 2 महीने की, तो 10-12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो यार अपने आप को मान के लाइक अभी मैं बहुत लाइक एक दो कैटेगरीज बता देता हूँ। अभी दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जिनकी एक की तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी, वो तीसरी या चौथी रिवीजन पे होंगे, ठीक है, एंड वो ऑलरेडी पढ़ाई से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होंगे। दूसरी स्टूडेंट्स ये हैं कि जिनकी पढ़ाई अभी तक अच्छी तरह नहीं हुई थी या 12th के पास हैं। तो यार मैं दोनों टाइप दोनों लोगों को क्या कहते हैं ना सेपरेट वो बताता हूँ क्या क्या करना है। जो पहले टाइप के लोग हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, अपनी प्रिपरेशन थोड़ी धीरे कर लेना, मतलब धीरे इन द सेंस ये नहीं कि प्रिपरेशन की इंटेंसिटी कम है, धीरे का इन द सेंस कि तुम 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हो जिससे तुम बहुत ज्यादा बर्नआउट हो जाओगे, वो मत करना। अपनी प्रिपरेशन थोड़ी नॉर्मलाइज कर लेना ताकि तुम नॉर्मल 6 to 7 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, ठीक है, वैसा कर देना ताकि तुम बर्नआउट ना हो जाए एग्जाम से पहले। जब एग्जाम की डेट आएगी ऑफकोर्स ऐसा नहीं करेंगे कि एक हफ्ता पहले बता देंगे, 2 हफ्ते पहले बता देंगे, प्रॉपर 1 महीने पहले के तुम्हें बता के चलेंगे कि एग्जाम कब होने वाला है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन थोड़ी नॉर्मलाइज कर देना। जिन लोगों की प्रिपरेशन पहले अच्छी तरह नहीं हुई थी उनका बहुत अच्छा टाइम है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पहली बात तो एनसीईआरटी उन लोगों को पूरी अच्छी तरह पढ़नी है सारी, ठीक है, सारे जिनके लाइक कुछ लोगों ने किए थे पहले सिर्फ 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए थे, तो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर करने का तुम्हारा अच्छा टाइम है। एंड लाइक जो भी तुम्हारे जिस भी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो या कहीं के भी तुमने वो लिए हुए हैं क्या कहते हैं डीएलपी पैकेजेस लिए हैं, टेस्ट सीरीज लिए हुई है, उनके टेस्ट सीरीज तो चल ही रहे हैं, तो तुम साथ साथ उनकी टेस्ट सीरीज पे ध्यान दो, एनसीईआरटी पे ध्यान दो, एंड तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग की जिन लोगों की 11th आई थिंक बोल रहे हैं कि हमारी 11th बहुत वीक है, तो यार अभी अच्छा टाइम है ना, 1 महीना लाइक अभी तो मान के चलो कि एग्जाम डिले होना ही होना है, तो 1 महीने का तुम्हारे पास अच्छा टाइम है कि तुम
प्रैक्टिस कर सकते हो, 11th की जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट रह गया था नहीं रह गया था उसको अच्छी तरह पढ़ने का स्टार्ट करो, ठीक है। सर फिजिक्स को कैसे हैंडल करें, देखो मोस्टली क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि फिजिक्स को कैसे हैंडल करें। यार अगर जो एलन की मॉड्यूल्स कर रहा है मेरे हिसाब से काफी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एलन की मॉड्यूल्स करो। एंड मैंने अपनी एक वीडियो में अच्छी तरह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई कि तुम्हें कैसे फिजिक्स को करना है, वो एक बार चेकआउट कर लो, वो देख लो ताकि बार बार बाकी लोग के लिए रिपीट ना हो। सर 12th में बायो आसान है ना? हाँ यार कंपेरेटिवली ना लाइक 11th वाली जो बायो है उसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं याद रखने वाला पार्ट है, स्पेशली एनिमल किंगडम वगैरह वाला पार्ट, प्लांट किंगडम वाला पार्ट। 12th की बायो थोड़ी ईजी है, ठीक है, 12th की बायो में थोड़े चैप्टर्स भी कम है तो तुम आराम से हैंडल कर पाते हो, ग्रास्प कर पाते हो। पर लास्ट में कुछ चैप्टर्स हैं इकोसिस्टम करके, एंड जो जो चैप्टर जिनमें बहुत सारा डाटा है तो उसको याद करने में आई थिंक थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर ओवरऑल 12th की बायो ईजी है। इज इट नेसेसरी टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल सिलेबस? नहीं दीप्ति, और इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक शॉर्ट नोट्स। लाइक अगर तुमने सपोज एनसीईआरटी, देखो बात है स्मार्ट स्टडिंग की, इट्स नॉट अबाउट हार्डवर्क किसने ज्यादा किया। अगर तुम सपोज एनसीईआरटी में दो टाइप के बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन पिकअप करके नोट्स बनाते रहते हैं, ठीक है, एंड दूसरे बच्चे होते हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी मार्क कर लेते हैं, दोनों चीज में तुम्हारा काम क्या है कि उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वापस आना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना, ठीक है। तो यार तुम दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर तुम्हारा टाइम जिसमें ज्यादा बच रहा है, ठीक है, तुम एनसीईआरटी को बार बार देखने वाले हो, ठीक है, वो नोट्स को बेस हो सकता है कि ना देख पाओ, तो मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी में ही तुम मार्क कर लिया करो। एनसीईआरटी में साइड में बहुत ज्यादा स्पेस दी हुई है, अगर तुम्हें कुछ लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना ही लिखना है एनसीईआरटी की साइड वाली स्पेस में लिख दो, ठीक है। एज सच मुझे नहीं लगता तुम्हें अलग से नोट्स बनाने की जरूरत है, बेसिक कोचिंग नोट्स तो तुम्हारे होंगे होंगे, ठीक है, पर अलग से मुझे नहीं लगता बनाने की जरूरत है। एनसीईआरटी बायो का ब्रांड क्या है? एनसीईआरटी बायो का नहीं कोई ब्रांड नहीं है। ओके सॉरी, मेरे ईयरफोन्स का ब्रांड क्या है यार? ये सैमसंग लेवल लेवल यू करके ईयरफोन्स है, अमेजोन से मैं लिए थे। सर ओके एलन में तो क्या आपने एम्स के क्वेश्चन किए थे क्या? यार मैंने एम्स की भी उनकी उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैकेज आता है, मैंने वो भी किया था, बट उसमें लाइक असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, वो बहुत सारी चीजें हैं। लाइक अगर तुम्हारे पास हो पाता है, तुम्हारे पास क्या कहते हैं टाइम है तो कर लेना, एज सच रिकमेंडेड नहीं है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन शायद से मुश्किल है, नहीं आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएंगे। और एम्स का ना एटलीस्ट बायो सिमिलर है, पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है। तो अगर जो एग्जाम में पैटर्न जो आ ही नहीं रहा, अगर तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत ये है तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो अच्छे हो जाएंगे, पर अगर एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हारा क्या कहते हैं टाइम वेस्ट टाइप हो जाएगा, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा करने के लिए। आकाश की मॉड्यूल फिजिक्स की सफिशियंट है? हाँ यार आकाश की मॉड्यूल भी देखो सफिशियंट है, उसमें बस उनके जो सोल्यूशंस है ना उनकी पीडीएफ देख लेना एंड साथ साथ देख के रिवाइज कर लो। अगर तुमने पहले से आकाश की मॉड्यूल की हुई है तो आकाश की मॉड्यूल पे स्टिक करो। क्या क्या इकोलॉजी में एक्स्ट्रा चीजें पूछते हैं? यार प्रीवियसली ना थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें पूछते थे, पर अभी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एनसीईआरटी सेंट्रिक हो गया है एग्जाम, इकोलॉजी इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी वगैरह सब कुछ मिला के। उनमें ना बहुत सारे जैसे बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, ठीक है, उनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें लाइक बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, लाइक कि कितनी बर्ड्स की स्पीशीज हैं, कितने मैमल की स्पीशीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइक लैटिट्यूड्स पे बताया हुआ कि नॉर्वे में इतना है, अमेरिका में क्या है। एक एक पॉइंट ना याद कर लेना, एक एक पॉइंट याद कर लेना। लास्ट में आई थिंक पोल्यूशन के ऊपर चैप्टर था, आई थिंक जिसमें लाइक एक ही डेट दी हुई थी कि कौन से लॉज कब का पास हुए थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का पास हुआ था, एक एक डेट तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, उसमें जो जो क्वांटिटीज बताई हुई है वो भी याद रखनी है। तो ऐसे याद कर यार बार बार करना पड़ेगा याद, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। लोग बहुत सारे नुस्खे बताते हैं कि यार ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो तो याद हो जाएगा, वैसे कोई सोल्यूशन नहीं है। बाबा पढ़ो, रिवाइज करो, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या एलन की मॉड्यूल्स केमिस्ट्री के लिए एलन के मॉड्यूल सफिशियंट है? मेरे हिसाब से सफिशियंट है उनके, आई थिंक, पर एलन के नोट्स मेरे बहुत ज्यादा अच्छे थे तो मैं नोट्स पे ज्यादा रिलाई करता था, पर उनकी मॉड्यूल भी सफिशियंट कह सकते हो। भैया आप केवल क्रॉप और प्रीवियस ईयर सफिशियंट है फिजिक्स के लिए? यार मैं ऐसा सिर्फ देखो सिर्फ क्रॉप करने से, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आई थिंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रॉप में भी ना बहुत सिलेक्ट, क्रॉप में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ना, ये क्रॉप लोग पूछ रहे हैं क्या है, क्रॉप है एलन के एक मॉड्यूल, इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं ना एकदम प्रिसाइज क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चन जो उनको लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो डाले होते हैं। तो मेरे हिसाब से ठीक है क्रॉप, पर क्रॉप में ना ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन ही डाले होते थे, ठीक है। तो सिर्फ वो करने से नहीं होगा मेरे हिसाब से मॉड्यूल, अगर देखो अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आयलैंड की मॉड्यूल अगर तुम 1 महीना लगा के करते हो आराम से तुम्हारे पास आराम से हो जाएगा। और लाइक मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मुझे एज सच कोई आयलैंड स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मुझे आयलैंड की मॉड्यूल्स एक्चुअली डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तुम्हें उनकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगी, बहुत टाइम है, 1 महीना बहुत टाइम होता है सारे क्वेश्चन करने के लिए, आराम से टाइम है, नहीं किया तो कर लो, ठीक है।
शुड आई स्टडी, ऑफ कोर्स शुड आई स्टडी वाली ऑफ कोर्स आते हैं, तो मैं करना ही पड़ेगा के लिए सॉल्व करें। फिजिक्स के लिए तो आई रिकमेंड एलन की मॉड्यूल सॉल्व करो, केमिस्ट्री के लिए नॉट सो मच। केमिस्ट्री के लिए तुम नोट्स वगैरह से भी अगर तुम पहले काम चला रहे हो चला सकते हो। टेल अस अबाउट एमबीबीएस लाइफ। यार अभी कार्तिक के अभी तो एमबीबीएस बंद पड़ी है पूरी, अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, सबको हमने छुट्टी दी गई है। हमारे अभी सारे जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन होंगे एंड उससे सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं है। वॉट इज योर शेड्यूल टू स्टडी फास्ट? आई एम टेकिंग टाइम टू मच टाइम टू रिवाइज। यार देख अभी 1 महीने का टाइम है स्टार्टिंग, देख देखो मान के चल कि तेरी 2 या 3 रिविजन इसमें हो जाएगी। एक अपनी पहली रिविजन स्लो करके रख कि आराम से मैं समझ के जो भी सारे टॉपिक्स है कॉन्सेप्ट से समझ लूँ। सेकेंड थोड़ी फास्ट रख एंड तीसरे में तेरे को बस क्या करना है, सारे फॉर्मुलाज देखना है। तो ऐसे 3 फेजेस में अपनी क्या कहते हैं पढ़ाई डिवाइड कर एंड आई थिंक तू कोप अप कर पाएगा। पढ़ाई तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस अपने आप से लाइक ट्रूथफुल रहना इस ड्यूरेशन में कि मैं अपने आप से ट्रूथफुल हूँ कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एंड आई थिंक एग्जाम अच्छा जाएगा तुम्हारा। वीएमएमसी का क्या कट ऑफ जाता है यार, मार्क्स का तो मैं नहीं बताता, पर लाइक 80-90 के आसपास ऑल इंडिया कोटा में खत्म हो जाते हैं, वीएमसी की सीट्स खत्म हो जाती है। मौलाना आजाद सबसे पहली चूज होती है नीट में एंड उसके बाद मोस्टली वीएमसी चूज होता है, पर अभी देखते हैं एम्स एंड बाकी कॉलेजेस भी आ रहे हैं उसमें, तो डिपेंड करता है क्या होता है। नीट एक्सपेक्टेड डेट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, या मैं बता रहा हूँ 15 में मेरी बहन ने एग्जाम दिया था तो उसमें लोगों ने चीटिंग की तो एग्जाम डिले हो गया था जून जुलाई में। 2016 में भी क्योंकि नीट पहली बार आ रहा था बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर नहीं किया था तो एग्जाम डिले हो गया था। मेरे हिसाब से लाइक जून जुलाई के आसपास ही एग्जाम होगा एंड एग्जाम बहुत डिले कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, कैंसिल नहीं करेंगे पर डिले कर सकते हैं, तो उसको प्रिपेयर्ड लेके चलना कि तुम्हारा एग्जाम डिले बहुत हो सकता है। आकाश मॉड्यूल, आकाश मॉड्यूल भी ठीक है, बायो की आकाश मॉड्यूल आई वोंट रिकमेंड क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चीजें दी हुई है जो एग्जाम में कभी आती नहीं है। मैं आकाश में था, मैं उनकी उनकी मॉड्यूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, पर यार वो बहुत सारी फालतू की चीजें थी जो पूछी नहीं जाती है। हाउ इज डीसी पांडे फॉर नीट? कार्तिक के डीसी पांडे भी ठीक है, पर दिक्कत क्या है, डीसी पांडे में बहुत मिस्टेक्स है। जब मैं आयलैंड में गया था तो मैंने स्टार्टिंग में डीसी पांडे करना स्टार्ट किया था, पर उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं। अगर तेरे को आयलैंड की मॉड्यूल्स मिलती है तो यूज कर ले, क्योंकि डीसी बार बार मतलब नहीं बनता, तुम देखते हो कोई मिस्टेक एंड फिर तुम किसके पूछने जाओगे, तो उसके कारण तुम्हारा टाइम भी वेस्ट बहुत होगा। तो आई वोंट रिकमेंड। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, भैया मैं कोचिंग वाले बहुत पढ़ते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कोचिंग में जाने ये जाने का मतलब नहीं होता तुम बहुत पढ़ाकू हो, ये सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, घर बैठ के बहुत सारे लोगों ने एग्जाम क्रैक किया है तो तुम इट डजेंट मैटर। पर लाइक कुछ अच्छा लाइक कहते हैं ना जैसे कि डीएलपी या कुछ ले लेना जिससे तुम फोकस रहो कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं करना। पीजी आफ्टर ए एमबीबीएस इज नेसेसरी? यार अभी जिस जिस हिसाब से हमारी कंट्री की सिचुएशन है और डॉक्टर्स की सिचुएशन है, बिना पीजी के कुछ फायदा नहीं है। तो लाइक सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग कोई ना कोई पीजी उसके बाद कर ही लेते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर की आज तक इतनी वैल्यू नहीं है अभी हमारे सोसाइटी में जितनी पीजी की है। तो लाइक आई रिकमेंड अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ एमबीबीएस करके एमबीबीएस करने के लिए मैं नीट दे रहा हूँ एग्जाम, तो आई वोंट रिकमेंड। उसके आगे बहुत सारी स्टेजेस है, एमबीबीएस है, फिर पीजी है, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना होता है। बायो में कोचिंग वाले बहुत पढ़ाते हैं क्या करें? यार देख बताऊँ, कोचिंग वाले अपना पढ़ाते रहेंगे, तुम्हें देखना है कि लाइक एनसीईआरटी से कितना संबंध है उसका। अगर तुम्हें लगता है यार एनसीईआरटी में पॉइंट बताया या एक टॉपिक बताया कॉन्सेप्ट बताया जो इतना क्या कहते हैं इतना अच्छी तरह क्लैरिटी नहीं दी उसके बारे में, तो तुम ऐसा करो तब तुम कोचिंग नोट्स को रेफर करो। यार कोई क्वेश्चन पूछा गया तो तुम अपने कोचिंग नोट में मार्क कर लो कि हाँ मैंने कोई टेस्ट सीरीज दी थी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे पढ़ाई करना है, ठीक है? पर अगर कोचिंग नोट्स में बहुत ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं पर भूलना मत एनसीईआरटी भी तुम्हें करनी है। मैंने फर्स्ट टाइम जब 11th में गया था तो 11th में मैंने बायो बहुत ज्यादा कोचिंग की पढ़ी थी एंड एनसीईआरटी को छुआ भी नहीं था। मैंने पहली बार अपनी एनसीईआरटी बायो 11th की 12th क्लास में छुई थी, ठीक है? कि उसका मैंने देखा कि यार सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है? तो जितना जल्दी तुम रियलाइज कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। बायो एनसीईआरटी और क्लास नोट्स, बायो एनसीईआरटी ऑफकोर्स। एलन का फेस का क्वेश्चन, आई डोंट नो यार इसका मतलब क्या है। अरे जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आर जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? आई डोंट थिंक दैट मच, बट लाइक अगर तुम्हारे पास टाइम है, बात बात टाइम की है, अगर तुम्हें इसको सोल्यूशंस आराम से मिल रहे हैं तो लाइक फिजिक्स के देख लेना, जेई मेन की कर लोगे आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, काफी हो जाएगा। बहुत ज्यादा है पर आई थिंक तुम्हें अच्छी, डिपेंड करता है तुम्हारी स्टेज की प्रिपरेशन का है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन है जिसमें तुम्हें 500 से कम नंबर आ रहे हैं तो आई वोंट रिकमेंड, अगर तुम्हारे 600 से नंबर आ रहे हैं देन आई विल कि अगर टाइम है तो कर लेना, 650 से नंबर आ रहे हैं तुमने सब कुछ कर लिया है तब कर लो बैठ के, पर उससे पहले नहीं। हाउ मच वी विल गेट बाय स्टडिंग ओनली एनसीईआरटी बायो? 300 नंबर तो आराम से है,
ठीक है, 300 नंबर आराम से हैं, एंड 330 नंबर तब हैं अगर तुम्हें एनसीईआरटी की एक एक लाइन पता है। एनसीईआरटी अच्छे तो कर लोगे, 330 तो आराम से। मैंने अपने लास्ट टाइम जब नीट का एग्जाम दिया था, तो मतलब जब मैंने सेकंड टाइम दिया था एग्जाम, तब मैंने एनसीईआरटी के अलावा लास्ट में कुछ नहीं पढ़ा था। तो एनसीईआरटी करने से मेरे आई थिंक कितने 330-340 के आसपास मार्क्स बन गए थे। दैट इज मोर देन। हाउ मेनी बुक्स डू हैव इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर? देखो यार, फर्स्ट ईयर में ना पहली बात तो कितने सब्जेक्ट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एंड हर एक सब्जेक्ट की ना 3 या 4 बुक्स पढ़नी पड़ती है। तो 4 × 3 अराउंड 12 बुक्स में पढ़नी पड़ती है, क्योंकि देखो हर एक चीज ना एक बुक में नहीं होती है, तो तुम्हें हर एक बुक से रेफर करना पड़ता है, आंसर मिला के बनाना पड़ता है। तो 12 बुक्स प्लस 1-2 गाइड बुक्स, तो 12 to 14 बुक्स पर ईयर के हिसाब से मान के चल लो। के क्वेश्चन थ्योरी पढ़नी जरूरी है क्या? नहीं, एलन की मॉड्यूल में थ्योरी पढ़नी जरूरी नहीं है। अगर तुम सिर्फ क्वेश्चंस कर लो, इसके एक्सप्लेनेशन देख लो, काफी है। थ्योरी तुम्हारे जितने नोट्स में है उतने काफी है, एज सच कोई थ्योरी की और बुक उठाने की जरूरत नहीं है। सर एमबीबीएस इज टफ और नॉट? एमबीबीएस इज वेरी टफ, ठीक है, तो प्रिपेयर रहना उसके लिए। दीपिका फ्रॉम वे शुड बी रिवाइज कोचिंग नोट्स और मॉड्यूल एनसीईआरटी फॉर ऑल थ्री सब्जेक्ट्स? फ्रॉम वे शुड लाइक जो नॉर्मल तुम्हारे कोचिंग नोट्स हैं उसी से पढ़ लेना, नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं नोट्स, मेरी वेबसाइट पे भी डाले हुए हैं, उससे पढ़ लेना। एंड उसके बाद कोचिंग नोट्स और मॉड्यूल, हाँ, और एनसीआर देखो, एनसीआरटी तो ऑफकोर्स एनसीआरटी पढ़नी है, ठीक है। तो मॉड्यूल्स कोचिंग की जो तुम्हें मिली है वो पढ़ लो, नोट्स अगर अगर नहीं बनाए कभी तो मेरे देख लेना, नहीं तो खुद के नोट्स बेस्ट होते हैं, बट लाइक लास्ट में एनसीआरटी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। भैया हाउ ट्रू आर द परसेंटाइल्स गिवन बाय एलन टेस्ट सीरीज? यार दे आर वेरी एक्यूरेट, क्योंकि बताओ एलन में आई थिंक अराउंड 1 लाख 2 लाख बच्चे होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे जो भी लास्ट में अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आ रहा है दैट इज वेरी एक्यूरेट, ठीक है। तो तुम मान के चलो जो तुम्हारा स्कोर, देखो मैंने लास्ट में एलन के टेस्ट सीरीज दिए थे, तो जितने मैंने क्वेश्चंस देखे थे बहुत सारे उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में भी आए थे, एंड जितना मेरा प्रेडिक्शन आ रहा था एलन के टेस्ट सीरीज में लास्ट में 710, 650, उसके अलावा उसके अराउंड ही एग्जाम में मेरा रिजल्ट आया था। तो आई थिंक दे आर गुड इनफ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है, एटलीस्ट बायो एंड केमिस्ट्री की कर लेना। अगर बायो एंड केमिस्ट्री की भी नहीं कर सकते, सिर्फ केमिस्ट्री की कर लेना, इट्स वेरी गुड, ठीक है। भैया आपके आप जब रिजल्ट आया था तो कितने खुश थे आप? यार एक्चुअली बताओ, मैं अपने रिजल्ट से इतना डरा हुआ था, तो मैंने अपनी बहन को बोला था यार तुम्हें रिजल्ट चेक करना, मैंने खुद रिजल्ट नहीं चेक नहीं किया था। तो लाइक वो रिजल्ट कंप्यूटर में देख रही थी, एंड आई वाज लाइक कि मैं कोने से बैठ के देख रहा था कि क्या है, तो उसके लुक को मैंने देखा कि यार वो बहुत एक्साइटेड है, तो मेरे को चला कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, वैसे मैंने खुद रिजल्ट चेक नहीं किया था। मेरे को वीडियो ऑन फिजिक्स स्ट्रैटेजी यार मैंने बनाई हुई है रजत, तो देख जो फिजिक्स की मैंने वीडियो बनाई है ना उसके अलावा मेरे को नहीं लगता देखने की कोई जरूरत है, क्योंकि बताओ उसके अलावा अगर देखो कोई भी बंदा तुम्हें बोल रहा है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें झूठ कह रहा है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ जैसे ऐसा हुआ है कि कुछ साल जेनेटिक्स में 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड अगले साल उस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड कुछ साल हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी में से 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक साल में 2 क्वेश्चन आए, तो इट डजेंट मैटर। कोई भी अगर तुम्हें बोल रहा है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रिपरेशन ऐसी बना के रखो एटलीस्ट एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तुम्हें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तुम एग्जाम में आंसर कर सको। इजी देन डीसी पांडे? या डीसी पांडे, एलन फिजिक्स मॉड्यूलर इजी देन डीसी पांडे, या पर तुम्हारा एग्जाम भी इजी है। बताओ हम उस अप्रोच में रहते हैं कि हमें एकदम टफ क्वेश्चंस करने हैं, टफ चीजें करनी है, ताकि हमारे एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आए, पर ऐसा नहीं है। अगर एग्जाम तुमसे इजी पूछ रहा है तो इट डजेंट मैटर कि तुम कितना टफ पढ़ाई कर रहे हो। कुछ लोग थे जो मेरे बैच में थे जब मैं आकाश में था, ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट आसपास आकाश के बहुत सारे सेंटर होते हैं, कुछ लोग कर रहे थे आईआईटी जे एडवांस का फिजिक्स, जे मेन का फिजिक्स, पर एग्जाम में आता ही नहीं है वो। देखो जे एडवांस एंड जे मेन के जो फिजिक्स होते हैं दे आर मोस्टली डेरिवेटिव क्वेश्चंस, तुम्हें फॉर्मुला से बना बना अप्लाई नहीं करना होता, तुम्हें आंसर डिराइव करना होता है। वैसे एग्जाम हमारा है नहीं, हमारा एग्जाम है नीट का एग्जाम है डायरेक्टली क्वेश्चन के डायरेक्टली कॉन्सेप्ट याद हो, डायरेक्टली फॉर्मुला याद हो, डायरेक्टली अप्लाई करना है, तुम्हें कहीं से डिराइव नहीं करना होता मोस्टली। फिजिक्स मॉड्यूल 140 पॉसिबल? या अगर फिजिक्स मॉड्यूल अच्छी तरह करना, सारी फॉर्मुला याद रखना, आराम से आ जाएंगे 140 प्लस, प्रीवियस से क्वेश्चन भी कर लेना। की एक्सरसाइज थर्ड जरूरी है क्या? हाँ एलन की मॉड्यूल की एक्सरसाइज थर्ड जरूरी है, हाँ कर लेना यार, अगर तुम्हारे पास टाइम है ऑफकोर्स कर लेना, छोड़ना मत। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्फिडेंस कैसे बनाए? यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक कितनी बार भी पढ़ लो ना, एग्जाम से जाने से पहले भी अगर तुम्हें लगता है मैंने बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। तो यार बार बार पढ़नी ही पड़ेगी, मेरे को भी लास्ट तक जब तक तो मैंने एग्जाम देके खत्म करके रूम पे आगे नहीं गया था, तब तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं आता। बार बार पढ़ो लाइक, ताकि तुम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ये मत सोचो कि लाइक मुझे 100 out of 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, पर मैक्सिमम तो करने की कोशिश किया करो।
फिजिक्स में MTG फिंगरप्रिंट सॉल्व करे, या मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है। NCERT वाली फिर भी, जो बायो वाली वो फिर भी ठीक है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे पास थी, मैं लेके रखी थी, पर कभी उसको किया नहीं क्योंकि कुछ काम की नहीं थी वो। भाई आपने कहाँ से कोचिंग की थी? मैंने अपनी 11th 12th की कोचिंग आकाश मुंबई से की थी, मैं सेंटर नहीं बताऊंगा। मैंने दूसरी अपनी क्या कहते हैं 11th, जो मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉप लिया था, मैंने अपनी कोचिंग एलन से की थी, एलन कोटा से। इट वाज गुड, अब तक की मुझे लगा बेस्ट कोचिंग जो, एंड जितने लोगों से मैंने बात भी की है, एलन की कोचिंग बेस्ट है। एंड एलन मुझे बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं करे, पर उनके लिए इतना प्यार है मेरे मन में। बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर नीड स्टडी। यार अगर तुम घर पे बैठे हो एंड तुम्हें लगता है कि नहीं पढ़ाई, मतलब क्या कहते हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हो, या कोचिंग सेंटर बहुत दूर है, फैमिली के पास रहना चाहते हो, क्या कहते हैं, आकाश की iTutor सीरीज अच्छी है। लाइक डिफरेंट 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 लोकेशन में आकाश की कोचिंग अच्छी ना हो, पर आकाश का iTutor मुझे लगता है अच्छा है। तो आकाश का iTutor अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, ले सकते हो, तो आई थिंक इट्स गुड इनफ। आई एम गेटिंग 600, कैन आई गेट 660 इन नीट 21? नीट 21 अगले साल तो यार आ सकता है। देखो मैं एक चीज बताऊं, अभी पर अपनी अभी की प्रिपरेशन से, अपने अभी के मार्क्स से ना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, प्रिपरेशन करते रहना। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बहुत हार्डवर्क डालते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, एंड उनके बहुत अच्छा स्कोर आता है, पर फाइनली जब नीट का टाइम आने लग जाता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड पढ़ना छोड़ देते हैं। तो वैसा मत करना, अपनी प्रिपरेशन बना के रखना। एंड ऑफकोर्स 660+ अभी तो, जैसे लाइक मेरे टाइम पे क्या आता था, 671 672 बहुत रेयर के कहते हैं मार्क्स होते थे, पर अभी सबके 650+ आ ही जाते हैं। भैया फिजिक्स में 150 एलन मॉड्यूल और एलन के एग्जांपल्स बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, काफी है वो, मेरे हिसाब से काफी है। सॉरी मैं सबके क्वेश्चंस पढ़ नहीं पा रहा था, लाइक तो यार जितने क्वेश्चन है, मैं जितने क्वेश्चन थे उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। भैया आपकी एलन मॉड्यूल पे रैंक A82 लिखा हुआ है क्यों? यार A82 रैंक जो रैंक है ना, दैट इज इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बट दैट इज नॉट ऑल इंडिया कोटा रैंक। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा रैंक इज 67, तो वो हमारे रिजल्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको मान के देख के चलना। एलन रेस करना चाहिए क्या? रेस एलन की आई डोंट थिंक इज नेसेसरी यार, उसमें NCERT डाली हुई है एंड मुझे लगता है जरूरत है उसकी। ओके रेस, ओके सॉरी सॉरी, दो टाइप के तुम बोलो कि सॉरी, रेस वो वाली बात कर रहे हो ना जिसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं? हाँ यार, उसमें अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो तुम कर लोगे, तुमने लाइक उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बाकी सब कुछ कर लो तो वो भी कर लेना। हेलो सर, कैन यू टेल अस हाउ टू रिवाइज इंटायर सिलेबस, विच बुक्स टू अप्रोच? यार ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया। यार मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, वो एक बार चेक कर लेना, आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ, कर लेना। ठीक है, 2021 की स्ट्रैटेजी यार, अभी जिन लोगों का एग्जाम है उनके उनको मैं बता देता हूँ। 720 out of 720 लाने के लिए क्या करें? यह मुझे पता नहीं किसी के 720 मार्क्स आए हैं। लाइक कोशिश, अगर लाइक किसी के मार्क्स आ भी जाते हैं तो बहुत सही है, पर लाइक वही तुम्हें सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सारी मॉड्यूल्स करनी पड़ेंगी, सारे प्रीवियस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अच्छी तरह हर टॉपिक में अच्छी कमांड होगी, तभी तुम्हारे 720 आ सकते हैं। मुश्किल लाइक ये नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल है, पर आ भी सकते हैं, पर बहुत टफ होगा। हाउ टू रिमेंबर होल सिलेबस, सुरभि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें याद रहेगा। प्रैक्टिस इन द सेंस बार बार रिविजन करना, बार बार क्वेश्चन आंसर्स करना, प्रीवियस क्वेश्चन करना, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें रिवाइज रहेगा, रिमेंबर रहेगा। ये नहीं होगा कि लाइक तुमने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दिया एंड तुम उसके बाद 1 महीने बाद जाके पढ़ाई करो, तुम्हें लगे तुम सब कुछ याद रहेगा। बार बार प्रैक्टिस करो तुम्हें याद रहेगा, एंड आई थिंक तुम्हारा एग्जाम अच्छे जाएगा। बेस्ट बायो MCQ बुक, यार जो NCERT आई थिंक MTG की फिंगर टिप से, दैट इज गुड इनफ। ठीक है, और एलन की मॉड्यूल, दैट इज गुड इनफ, मेरे हिसाब से काफी है। थैंक यू शनिया जायसवाल, आई थिंक अगर तू फर्स्ट इंटरव्यू से देख रही है तो मेरे हिसाब से अभी तू मेडिकल कॉलेज में होगी, आई होप सो। ठीक है, केमिस्ट्री प्लीज, ओके इनऑर्गेनिक के लिए ज्यादा क्वेश्चन करें या ज्यादा पढ़ें? यार बैलेंस बना के रखना, क्वेश्चंस भी तुम्हें करने हैं एंड तुम्हें पढ़ना भी बहुत है, तो बैलेंस जितना बना के रखोगे उतना, देखो देखना पड़ेगा। अगर तुम देखो ऐसा होता है, तुम पढ़ाई कर, देखो पढ़ाई कर रहे हो एंड तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस करने ही पड़ते हैं अपने को टेस्ट करने के लिए। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चंस अच्छे जा रहे हैं तो और अच्छे और क्वेश्चंस करो, अगर तुम्हारे क्वेश्चंस में अगर लाइक बहुत सारी मिस्टेक्स आ रही हैं तब तुम्हें वापस जाके थ्योरी पे आना पड़ेगा। क्यों? मतलब क्यों, तुम्हारी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसे अपने को बैलेंस चेक करना होता है कि हमारा कहाँ पर बैलेंस ज्यादा लीन कर रहा है। ठीक है, तो वैसा करोगे तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी जाएगी। क्या टाइम टेबल सेट करना जरूरी है? यार एक बेसिक टाइम टेबल अपना दिन का तो बना के रख लेना, बेसिक इन द सेंस ये नहीं होना चाहिए कि लाइक मैं एग्जैक्टली फिजिक्स 1 घंटे का पढ़ूंगा या बायो 2 घंटे का पढ़ूंगा, किस हिसाब से पढ़ूंगा, वैसे जरूरी नहीं है, पर लाइक मैं किस सुबह सुबह उठता हूँ,
कितने बजे मैं सोने जाता हूँ, ठीक है, मैं दिन में कितने घंटे पढ़ाई करता हूँ, वैसा टाइप का टाइम टेबल ना, इट्स आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड। एंड कि मैं कितने बजे एक्सरसाइज करने जाता हूँ, क्या करता हूँ, वैसा टाइम का टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड। ये जरूरी नहीं कि मैं 1 घंटा प्रॉपर क्वेश्चंस करूंगा, मैं 1 घंटा थ्योरी पढ़ूंगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना जिसमें थोड़ी फ्लेक्सीबिलिटी हो। वॉट शुड बी आर वीकली प्लान फॉर द रिमेनिंग डेज? यार अभी लाइक मान के चलो 6 हफ्ते तुम्हारे पास है, तो वीकली प्लान इस हिसाब से बनाना जिसमें तुम अपनी 2 या 3 रिविजन तो करके लो, ठीक है, कर सको, एक रिविजन से काम नहीं होगा। तो पहले आई थिंक अब सपोज मैं प्लान बना रहा हूँ 6 वीक का, ठीक है, तो पहले क्या करना, पहले 2 हफ्ते सारे नोट्स अपने पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, स्लोली पढ़ना, रिवाइज करके एक एक चीज पे ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद जो बीच के 2 हफ्ते हुए, इसमें तुम्हारा थोड़ा फास्ट पेस होगा, इसमें तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तुम बार बार टेस्ट दे रहे होगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे रहे होगे, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे, अभी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, क्या करोगे, तुम अपने नोट्स में हाईलाइटेड चीजें पढ़ोगे, अपने जो भी तुम्हारे फॉर्मुलाज की बुक होगी, फॉर्मुलाज रिवाइज कर रहे होगे, ऐसी चीजें कर रहे होगे। लास्ट के 2 हफ्ते की बात आई, तो पहले फिजिक्स से स्टार्ट करना, क्योंकि फिजिक्स के फॉर्मुला वगैरह कॉन्सेप्ट याद रहता है। नेक्स्ट चीज तुम्हें क्या करनी है, नेक्स्ट चीज तुम लोग केमिस्ट्री पे फोकस करना, उसके बाद लास्ट में बायो, क्योंकि बायो तुम्हें एग्जाम से पहले पढ़नी होती है। देखो बायो ऐसी चीज है, अगर तुमने एग्जाम से 1 दिन पहले ही पढ़ी ना, तुम्हें एग्जाम में बहुत सी ऑफ द चीजें याद रहेंगी। तो बायो एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें ऐसे करना है। किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या कॉलेज में किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं? हाँ यार, मेरे बहुत सारे दोस्त आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम्स, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक कैट एग्जाम्स, बहुत सारे, लाइक एमबीबीएस इज नॉट द फाइनल, क्या कहते हैं वो चॉइस, बहुत सारे लोगों को बस कॉलेज में आने का एक्सपीरियंस लेना होता है कि एमबीबीएस कॉलेज कैसा है, तो उसके बाद लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, क्या कहते हैं कैट की तैयारी करते हैं, बहुत सारे अलग एग्जाम है तो उनकी तैयारी करते हैं। तो आई होप लाइक मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, जिनके यार क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया, आई प्लान की एक और Q&A सेशन रखूँ बाद में। हमेशा कोशिश तो ये होती है कि लाइक जितने लोग की हेल्प आउट कर सकते हूँ उनको करने की कोशिश करूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भैया स्पेशल वीडियो बना आपने रिलीज नहीं किया, यार एक्चुअली बताओ मैंने वीडियो बनानी थी कि कैसे पढ़ाई करनी है इस स्टेज के रिकॉर्डिंग, लाइक जब भी कोरोना वायरस चल रहा है एंड तुम होम पे लॉकडाउन पे हो, तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्वेश्चन आंसर वीडियो में पहले वाली में बता दिया था, तो इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो नहीं बनाई। मुझे लगा बार बार रिपीटेशन अच्छा नहीं लगता, मैंने बोला एक जगह बता दिया तो बार बार रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होपफुली लाइक एक और बनाने की कोशिश करूंगा Q&A वीडियो, लाइक जब तक तुम्हारा एटलीस्ट एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, एंड लाइक होपफुली हमारे कॉलेज में तुम लोग आ जाओगे, मिलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। एंड आई रियली अप्रिशिएट जिन लोगों ने आज लॉग इन किया 5 बजे, आई नो थोड़ा लेट हो जाता हूँ, बट लाइक कोशिश करूंगा आपसे एकदम टाइम पे आने की। चलो यार, थैंक यू गाइस, इंटरेक्शन तुमसे करके अच्छा लगा, एंड आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।